वन गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो आए हो, आप सभी अच्छे होंगे। और मैं हूँ यहाँ पे लद्दाख की मार्केट में, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक स्ट्रीट फूड जो कि बहुत ही यहाँ का फेमस है। तो चलिए चलते हैं दीदी के पास और इनसे पूछते हैं कि क्या है ये आइटम। और इस आइटम का नाम है क्यूमा, और आप देख ही सकते हैं। और अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जूले दीदी, नमस्ते भैया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जूले का मतलब ये है कि नमस्ते। और ये चले मैं काफ़ी टाइम से इधर से गुजरता था, तो ये मैंने देखा इनका ये स्टॉल यहाँ पे। और अभी इनसे पूछते हैं कि ये क्या आइटम बनाते हैं इधर, क्या बेचते हैं। तो दीदी आप बताइए, क्या बेचते हैं आप, क्या आइटम बनाते हैं? हम इधर खाली क्यूमा बनाता है, अच्छा दिन का घर पे बनाता हूँ, शाम का 6 बजे अच्छा निकलता तो ये हूँ। ग्यूमा मतलब क्या होता है, ये किस चीज़ का बनता है ये? ए बकरी का अंदरी में खून में फिर आटा मिलाएगी, फिर अच्छा मसाला मिलाएगी, जीरा और नमक डाल के फिर अच्छा अच्छा वो खून में मिलावट कर मिक्स करके मिक्स फिर करके। बनाता हूँ। फिर अच्छा चटनी और टमाटर और अच्छा और धनिया। ये इसकी चटनी है। हाँ जी, इसके लिए अच्छा, सब दीदी का चाहिए। कहने का मतलब ये है कि दीदी थोड़े नेपाल से हैं, तो थोड़ा सा लैंग्वेज का थोड़ा सा ये है। मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने, इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्यूमा है, ये जो बकरे की जो इंटेस्टाइन होती है, आंतें होती हैं उनका, और बकरे का जो ब्लड होता है उसको ये मिक्स करके, और उस ब्लड के अंदर ये मिक्स करते हैं, जैसे धनिया जीरा या कुछ भी वैसे मसाले हो गए, नमक वगैरह, वो मिक्स करने के बाद फिर आप ये घर में खुद ही बनाते हैं, हाँ ठीक जी है? सर, घर में हम और खुद अच्छा, बनाते खुद ही हैं। बनाते हैं। हाँ और जी, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये बनाया जाता है। फिर इसके काट के छोटे छोटे से ऐसे टुकड़े किए जाते हैं, और ये है चर्बी, हाँ जी, ठीक इसमें है? फ्राई करते हैं। इसमें फ्राई करते हैं जैसे हम कढ़ाई में डालते हैं, और ये दीदी डाल रहे हैं अभी कढ़ाई में। और कढ़ाई में जाने के बाद थोड़ी सी चर्बी डालेंगे, तो चर्बी घुलेगी तो उससे ये पकेगा अच्छे तरीके से। और ये थोड़ी देर में आपको ये पकने के बाद ट्राई भी करेंगे कि ये कैसा इसका टेस्ट है। और काफ़ी ये मतलब कौन से महीने में स्टार्ट होता है ये? ये तो हर महीना होता है, मगर ये दिसंबर सर्दियों के जनवरी टाइम में में ज़्यादा चलता है ये? चलेगा, मगर मटन बंद होने के बाद नहीं चलता है। अच्छा, मटन बंद होने के बाद नहीं चलेगा, हाँ ओके। और ये सर्दियों के टाइम ज़्यादा चलता है, जब मटन बंद हो जाता है तो फिर ये नहीं चलता है। और यहाँ के लोग काफ़ी पसंद करते हैं, कौन से लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इसको, यहाँ के सभी लोग या कहीं बाहर के जो आते हैं वो? ज्यादा तो इधर का लद्दाखी और लद्दाखी लोग, और कौन और? अच्छा, तिब्बतन लोग टिबेटन और और नेपाली हमारा लोग। नेपाली अच्छा, और नेपाली भी काफ़ी भारत। पसंद करते हैं, हाँ जी, ठीक है। और और भारत भारत ये कहाँ कहाँ चलता है, जैसे और दूसरी जगह पे? ये चलता है, दिल्ली में ज्यादा चलता है, मनाली मनाली, साइड, मनाली कुल्लू मनाली और हाँ, लद्दाख। और लद्दाख, हाँ और जी सर। नेपाल में भी? हाँ नेपाल में भी अच्छा, चलता नेपाल है। में भी चलता है। ये जो ज़्यादा ऊपर ऊपर के इलाके होते हैं उन जगह पे ये काफ़ी चलता है, और ये काफ़ी हीट गर्म गर्म होता है ये? हाँ जी, इसने कुछ असर नहीं करता, बिल्कुल अच्छा होता है सेहत के लिए भी। अच्छा, फिर वो क्योंकि खाने में मैंने भी यहाँ आने के बाद ये फर्स्ट टाइम चीज़ देखी है, और टेस्ट किया था मैंने पहले एक बार, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा आप लोगों के साथ भी शेयर करें। तो अभी ये पक रहा है, और पकने के लिए ये 5 से 10 मिनट लगाएगा, और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। साथ में इसके ये टमाटर और उसकी जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के मिक्स इसकी चटनी बनाई हुई है। तो अभी ग्यूमा जो है गाइस रेडी हो चुका है, और अभी इसको करते हैं टेस्ट। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं। अभी चटनी मैंने लगा लिया इसमें, काफ़ी टेस्टी और बहुत बढ़िया। और अभी मैं लद्दाख में हूँ, और लद्दाख में ये आप लोकेशन में आपको बता देता हूँ कि नियर बाई ये स्कालिंग चौक, और ये कौन सा गए थे? हाँ, जो अंगलिंग जाने का रास्ता है नीचे, बस थोड़ा सा साइड में, ये दीदी की शॉप है इधर, बाहर लिखा हुआ है छोटा सा, ये कार्ड वो लगा हुआ है, स्टोर लगा हुआ है। और वहाँ पे कभी मौका मिले तो ज़रूर आइएगा, और ये ग्यूमा टेस्ट कीजिएगा जो नॉन वेज के शौकीन है या नॉन वेज पसंद करते हैं। वेजिटेबल वालों के लिए ये चीज़ नहीं है। तो दीदी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो दीदी बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने इसके बारे में कुछ बताया। तो क्या कहना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे? ठीक है सर, पसंद लगेगा तो आप भी आ जाना। जरूर जरूर, बिल्कुल। तो दीदी कहते हैं कि जब भी यहाँ लद्दाख में आए तो यहाँ पे जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड लव यू ऑल। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल रहे हैं। और फेसबुक पेज के देख रहे हो तो इसको फॉलो जरूर कर दें।